पेरिस ओलंपिक 2024 अब बस शुरू होने वाला है। इस बार भारत की तरफ से कुल 117 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में भी उनसे पदक की उम्मीद लगातार बनी हुई है। नीरज के अलावा किशोर जेना भी पदक के रेस में बिल्कुल शामिल है। वो पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनसे पदक की आस बरकरार है। किशोर जेना का जन्म ओडिशा के पूरी जिले में 1995 में हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैवलिन थ्रो का खेल उनकी पहली पसंद नहीं था। वो वॉलीबॉल में अपना करियर बनाना चाहते थे और फिर भुवनेश्वर में उनकी मुलाकात ओडिशा स्टेट चैंपियन लक्ष्मण बराल से हुई। लक्ष्मण ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उनका जैवलिन से परिचय करवाया और धीरे धीरे उनकी जैवलिन में रुचि बढ़ती चली गई और फिर उन्होंने कॉलेज के कॉम्पिटिशन में कई पदक जीते। जैवलिन के खेल में ही उन्हें CISF में नौकरी भी दिलवाई, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। वो आर्थिक रूप से परिवार को मदद करना चाहते थे और ऐसे में नौकरी उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी। किशोर जेना अच्छा तो कर रहे थे, लेकिन वो 75 मीटर का मार्क क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। CISF में थ्रोइंग इवेंट के कोच जगबीर सिंह ने किशोर जेना पर भरोसा दिखाया और तब जगबीर सिंह ने कहा था कि अगर 75 मीटर का बैरियर पार कर लेते हैं तो वो उन्हें पटियाला के नेशनल कैंप के लिए उनकी सिफारिश करेंगे। इसके बाद 2021 में जेना ने उड़ीसा स्टेट चैंपियनशिप में 76 मीटर का जैवलिन फेंका। किशोर जेना को अपने करियर में एक समय बड़े थ्रो फेंकने में कठिनाई हो रही थी और वो अच्छा भी नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ करने के बाद भी वो 80 मीटर थ्रो पार नहीं कर पा रहे थे और फिर उन्होंने निराश होकर वर्ल्ड चैंपियनशिप से ठीक पहले खेल को छोड़ने का फैसला ले लिया, लेकिन उनके पिता ने खेल जारी रखने की सलाह दी और इससे उनके करियर में एक नई जान फूंक दी गई। फिर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन किया और 84.77 मीटर तक का भाला फेंका, लेकिन वो पांचवें नंबर पर रहे। यहां पर स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के खाते में ही गया था। किशोर जेना का अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और यहां पर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। उन्होंने 87.54 मीटर तक जैवलिन फेंका और इसी के साथ उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भी अपना टिकट कटा लिया है। एशियन गेम्स 2023 में जैवलिन थ्रो इवेंट का गोल्ड मेडल भारत के नाम यानी कि नीरज चोपड़ा ने जीता था और अब पेरिस ओलंपिक के लिए किशोर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आतुर है। करोड़ों भारतीय भी उन्हें ओलंपिक में मेडल जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहेंगे एक इंडियन फैन होने के नाते कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में और भी पदक भारत के नाम आए। बहरहाल किशोर जेना की इस परफॉर्मेंस पर उनसे क्या उम्मीदें हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।